क्या समझे अल्लाह का वली तू? हाँ, अगर वो ताड़ पे भी बैठा है, समझे? कहते हैं कि हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के वाक्य आता है कि आप ताड़ पे बैठे थे, तो किसी ने आपको समझे के बोले हमें हस्ती नजर से देखा, तो आपने वो ताड़ को उठाया, ताड़ समझे उठा के देखते तो बस सोने की नदी बह रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो यह पहाड़ सोने का बनके मेरे साथ चले। बेशक। तब फरमाया मालूम ये बात, जब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला आपसे मिलने के लिए आते हैं तो क्या देखते हैं कि आप जो चटाई पे लेटे हुए थे ना, और उस वक्त अपने बदन पर कपड़ा नहीं रखे थे, आपका हमेशा उमूमी जो लिबास होता था ना, दो चादरें होती थी जिसको हम एहराम बोलते हैं, आप हमेशा उमूमी जो चादर रखते थे सर, तो वो चादर नहीं थी और वो बगैर चादर थे, आप उस पर लेटे हुए थे। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जब देखते हैं ना तो आपके अश्क जारी हो जाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कैसे लोग किसरा वाले, समझे? ये तो बोले तख्त पे लेटे हुए हैं और आप तो अल्लाह के रसूल है और ये चटाई पे लेटे हुए और देखे तो निशान पड़ गए आपको चटाई की। तो आप कहते कि उमर अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ जो है ना सोने का बन जाए और मेरे साथ चले लगे, और अल्लाह ताला ने तो पूरे खजाने की चाबी मेरे दहलीज में फेंका हुआ, समझ में? तो आपने जो अपना उसवा हसना जो बताने के लिए आपने वो अमल गुजारे, आप वो जिंदगी गुजारे कि आपका उम्मती का जो उम्मती जो है ना वो किसी भी स्टेज में हो, गरीब से गरीब तर भी होगा तो वो आपके उसवा हसना से जो है मुस्तफेद हो जाएगा, फायदा उठा सकता है। ऐसा आपने वो जिंदगी गुजार दी और आप है कौन, शहंशाह दो आदम। इसलिए तो कहा ना किसी कहने वाले ने कि उनके दर के गदा, यानी उनके दर पर जो मांगने वाले गदा बदल कर उनके दर पर मांगने वाले, उनके दर का भिखारी, उनके दर के भिखारी है उनका मुकाम क्या है उसमें, कि उनके दर के गदा भर देते हैं शहाना जमाने की झोली, यानी उनके दर पर जो भीख मांगने वाला है वो बादशाहों की झोली भर देते हैं, बादशाहों की, उनके दर के भिखारी ये आलम है, तो उनके दर के गदा भर देते हैं शाहाना जमाने की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, हक है बेशक सर, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। जो दर्श देना था मेरा आका मौला को तो दर्श दे दिया, आपने वो जिंदगी गुजार के बता दिया है कि इतनी जो जिंदगी है ना, आप चाहो आप उससे यानी आप चाहो यानी कोई कितना ही आ जाए लेकिन उतना भी कर सकते, इसलिए तो हम कहते हैं कि फकीर में बादशाही की, ताकि सलाम उस पर कि जिसने फकीरी में बादशाही की, नबी जो है बादशाह नहीं है, यानी बादशाहों के बादशाह है, बादशाहों के बाद रसूल होना तो मामूली मकाम है, अल्लाह का रसूल, और फिर आप है क्या, तो रसूलों के रसूल हैं, क्या है रसूलों के रसूल, रसूलों के भी रसूल हैं, इसलिए तो आपको क्या कहा गया मालूम है, सैयदुल मुर्सलीन, क्या कहा गया, सैयदुल मुर्सलीन, सैयदुल मुर्सलीन का मतलब है तमाम रसूलों के सरदार, तमाम रसूलों के सरदार, रसूलों के सरदार। अब ये हमारी खुशकिस्मती है और हमारे ये कह लो कि हमारा मुकद्दर पे हम कितना ही नाज करें, कम है कि हम उम्मत रसूल हैं, बेशक, और उस पर यह नाज है कि हमको वो कलमा मिला जो नबियों वाला है, सुभान अल्लाह, नबियों वाला कलमा, हमको नबियों वाला कलमा मिला है, आपको शायद पता नहीं है, हम जो कलमा पढ़ रहे हैं आपको उसकी वैल्यू नहीं मालूम है कि आप कौन सा कलमा पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम तुम्हारे मानने वाले तुम्हारे चाहने वाले क्या पढ़ेंगे, यानी आपकी जो उम्मती है आपके चाहने वाले मानने वाले क्या पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी, क्या पढ़ेंगे, आदम ला इलाहा
इल्लल्लाह आदम सबीउल्लाह, मगर आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक ऐ नूह, तुम्हारे मानने वाले पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजी अल्लाह, मगर आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहिम, तुम्हारे मानने वाले पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, मगर आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ ईसा, तुम्हारे मानने वाले पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, मगर आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। तो तमाम अंबिया कराम के जो उम्मती होंगे वो उनका कलमा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उनके नबी का कलमा पढ़ेंगे, समझना है। और लेकिन वो अंबिया कराम कौन सा कलमा पढ़ेंगे, अपने नबी का, मेरे नबी का, क्या पढ़ेंगे मेरे नबी का कलमा पढ़ेंगे। तो सोचो जो अंबिया कराम जो कलमा पढ़ रहे हैं वो कलमा हमको नसीब हो, सुभान अल्लाह। कितनी खुशकिस्मत रहे हैं हजरत, कितना बड़ा मकाम हो गया, कहाँ ये कलमे ने हमको ला खड़ा किया गया कि अंबिया कराम जिस कलमे को पढ़ते हैं आज हमें वो कलमा नसीब हुआ, उसके सत्य में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य में वो कलमा नसीब हुआ, उसकी वैल्यू करना पड़ेगा। हर उम्मती जो है ना समझे, वो ये तमन्ना रखता है कि काश मैं भी उम्मत मोहम्मदी होता, काश मैं उम्मत मोहम्मदी मोहम्मदी होता। आपको मालूम है ये जितने अंबिया कराम ने जो है ये कलमा पढ़ के उम्मत मोहम्मदी में दाखिल हो गए, उम्मत मोहम्मदी में दाखिल हो गए, वो तमाम अंबिया कराम इस कलमे को पढ़ के उम्मत मोहम्मदी में दाखिल हो। सोचो, इसलिए तो कहा गया ना मेरे उम्मत के